जिला परिषद के सभागार में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला कुल्लू शहरी इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसहमति से किया गया। कुल्लू शहरी इकाई राजपत्रित महासंघ के चुनाव राज्य संयोजक संजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। सभी विभागों के कर्मचारियों ने सर्वसहमति से तेजा सिंह शिक्षा विभाग को कुल्लू शहर की कमान सौंपी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तेजा सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि कर्मचारियों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया हो सके। आज कुल्लू जिला के राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के शहरी इकाई के चुनाव थे, जिसमें हमने विभिन्न विभागों से कर्मचारियों को यहाँ पे आमंत्रित किया था और सभी विभागों से कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में भाग लिया और हमें उम्मीद है कि हम जिला में भी एक बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाएंगे। और आज भी हमने जो यहाँ कार्यकारिणी सब कर्मचारियों ने चुनी है, तेजा सिंह जो हमारे प्रधान हैं, अशोक जी हैं और देवी सिंह जी हैं और जितने भी लोग हैं, टेक सिंह जी हैं, जितने भी लोग हमने विभिन्न विभागों से, और सबसे बड़ी बात ये है कि हर विभाग के जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और लगभग 150 कर्मचारियों ने आज जो है यहाँ पे इन ब्लॉक के इलेक्शन में भाग लिया है और मेरा मीडिया के माध्यम से सभी कर्मचारियों से यही आह्वान है कि भविष्य में भी हम मिलकर जो हैं सब चलें और सब भेदभाव, जो भी बैर, इस तरह की ईर्ष्या की भावना, इसको छोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि कर्मचारी हित के लिए सबको एक होकर ही चलना पड़ेगा। और मैं आज जो चुनी गई कार्यकारिणी है, इनको मैं सबका स्वागत करता हूं और इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संघ सामने जो भी कर्मचारियों के मुद्दे सामने आएंगे, हम सब कर्मचारियों को साथ में लेकर के उन मुद्दों को, मुद्दों के निवारण के लिए हम काम करेंगे और सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी हम उनको क्रियान्वित करने के लिए सभी कर्मचारियों का आह्वान करते हैं कि सरकार की योजनाओं को जो है अमलीजामा पहनाने के लिए अपने तन्मय ढंग से काम करें ताकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनके जो कार्य हैं वो निर्विघ्न जो है दूर हों और सभी कर्मचारी जो मिल करके अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। समस्याएं हैं लोगों की, कुछ रेजिडेंस की समस्याएं हैं, इस तरह से अन्य समस्याएं हैं, उनका निवारण करने के लिए हम जो तत्पर रहेंगे। सी डी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।